वैक्सीनेशन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले मध्य प्रदेश में टीके के प्रति लोगों की दीवानगी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन वैक्सीन की किल्लत के चलते सेंटर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। राजगढ़ से रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें किसी राजनीतिक रैली की नहीं है, ये तस्वीरें किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी नहीं है, बल्कि कोरोना काल में कई मीटर लंबी मानव श्रृंखला की ये तस्वीरें आई हैं मध्य प्रदेश से, जहां टीका लगवाने के लिए राजगढ़ जिले में वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। टीके की किल्लत की वजह और कोरोना से बचने का अस्त्र बनी वैक्सीन को पाने के लिए जनता इस कदर घरों से निकली कि टीकाकरण केंद्रों पर जमावड़ा लग गया, लेकिन अब अधिकारी इसे जागरूकता का परिणाम बता रहे हैं। राजगढ़ जिले में कोविड टीकाकरण को लेकर के लोगों में बहुत जागरूकता आई है। एक समय ऐसा भी था जब लोग बिल्कुल टीकाकरण करवाने नहीं आ रहे थे, लेकिन उस समय गांव-गांव में जा करके और विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक किया गया और धीरे धीरे लोगों ने इसकी महत्ता समझी और अब सभी लोग वैक्सीन लगाने के लिए बहुत उत्सुक हैं, बहुत आतुर हैं। खासकर जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है वो लोग जब जा करके इसके फ़ायदे दूसरे लोगों को बता रहे हैं तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से काफ़ी लोगों में जागरूकता फैल रही है। सोमवार को जिले में 17,000 वैक्सीन डोज पहुंचे थे, जिन्हें अलग अलग ब्लॉक में बांट दिया गया, लेकिन नरसिंहगढ़, तलेन और ब्यावरा में सबसे ज़्यादा मांग के चलते वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर करीब आधा किलोमीटर तक लंबी लोगों की लाइनें दिखाई दी। किल्लत के चलते कई लोगों को इंतजार के बावजूद खाली हाथ भी लौटना पड़ा, लेकिन कलेक्टर फिर भी पर्याप्त वैक्सीन होने का दावा कर रहे हैं। जितने भी केंद्र हैं उन पर सब पे हम लोग पर्याप्त व्यवस्थाएं करके रख रहे हैं, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था इत्यादि भी रखी जा रही है ताकि लोगों को परेशानी ना हो, और वैक्सीन की डोजेज भी हम लोग पर्याप्त संख्या में पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को वापस न जाना हो। प्रशासन को सिर्फ दावे न कर जमीन पर हालात के हिसाब से ही व्यवस्थाएं करनी होंगी, ताकि इस तरह की लापरवाही भरी तस्वीरें हमें आगे ना देखने को मिले। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग और निवाड़ी जिले के प्रभारी मंत्री श्री गोपाल भार्गव निवाड़ी पहुंचे और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में चल रहे कोविड-19 वैक्सीनेशन की जानकारी ली और आज से प्रारंभ हुए दस्तक अभियान का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। वही गोपाल भार्गव ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा, साथ ही राहुल गांधी पर भी तंज कसा। दिग्विजय सिंह की बातों के लिए कोई गंभीरता से नहीं लेता, आज क्या कह रहे हैं कल क्या कह रहे हैं, अफजल जी कहते हैं, वो कसाब जी कहते हैं, तमाम हत्यारों के लिए जिनको फांसी हो गई, प्रमाणित हो गया कि इन्होंने आतंकवाद फैलाया, तो जी सब जी का कहना है कि भाजपा में दिग्विजय सिंह की मनोरोगी है, जिनकी फितरत के बारे में वास्तव में शायद उनके परिवार के लोग भी नहीं जानते। यदि कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखना है तो इसमें आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है, इसके लिए कोई सक्षम अध्यक्ष होना चाहिए। उसके बावजूद भी कांग्रेस नहीं चित रही है, तो उन्होंने एक बात कही थी गुलाम नबी आज़ाद ने कि अब 50 साल तक सरकार में आने का ख्वाब आप नहीं देखेंगे, रिकॉर्ड में है सारी बातें।